आप देख सकते हैं ओरिजिनल फॉग लाइट है महिंद्रा की। एक सुखद एहसास के साथ दोबारा इन्होंने बुला लिया और जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो रीजनेबल चीज़ें होती हैं, जो जायज रेट है, जो लगाते हैं, अच्छा काम करते हैं मेहनत से, और जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको भी बखूबी कहीं ना कहीं से करवाई देते हैं एडजस्ट में। ये इंस्टॉल होगी इसके अंदर, उसके बाद आपको दिखाऊंगा प्रॉपर महिंद्रा की ओरिजिनल फॉग लाइट है। उसके बाद देखिए स्टेयरिंग रैप हो चुका है, डबल कलर का स्टेयरिंग रैप, ओईएम फिटिंग वाला। कहाँ पे आना है आपने? सिर्फ रौनक कार एक्सेसरीज करोल बाग में आना है। आपको 10% लेस देगी। कहाँ मिलेगा 10% लेस? महिंद्रा पे सिर्फ रौनक कार एक्सेसरीज पे आपको 10% लेस मिलने वाला है। ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कस्टमर को कोई शिकायत आए। कस्टमर दूर से आता है, ये ध्यान रखना पड़ता है। कभी कोई शिकायत आती है तो कस्टमर को दोबारा दूर से वापस ना आना पड़े, हमें ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये ब्लैक पार्ट होता है तो इसमें आपका सिल्वर पार्ट हो चुका है। ये ब्लैक है, इसमें पियानो फिनिश कराना चाहता है कोई, पियानो फिनिश भी हो जाएगा हमारे पास। मैचिंग के मैट है, कॉफी मैट, और सीट कवर देखें आप, प्रीमियम सीट कवर, बिल्कुल धांसु एकदम। Z2 लाए Z6 ले जाए और मैं आपको 10% ऑफ दूंगा। और महिंद्रा रियर गार्ड बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, बैक साइड में ये वाली क्रोम भी मिल जाएगी, Z2 में नहीं आती। रिफ्लेक्टर आते हैं, रिफ्लेक्टर भी मेरे पास अवेलेबल है। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में रौनक कार एक्सेसरीज में। आज हमारे पास आई है स्कॉर्पियो N। कहाँ से आई है? राजस्थान से। स्पेशल रौनक कार पे आई है, मॉडिफिकेशन कराना है। Z6 वेरिएंट रहने वाला है हमारी स्कॉर्पियो का। इसमें काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन हुई है, मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है। शुरू से लेके एंड तक हमारी वीडियो में बने रहें। स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं इसमें हेडलाइट में LED डली है, दोनों पॉइंट में LED डली है इसके अंदर। उसके बाद ओरिजिनल फॉग लाइट इंस्टॉल हो रही है, बिल्कुल ओरिजिनल। महिंद्रा की अनबॉक्सिंग हम आपके सामने करेंगे इस फॉग लाइट की। आइए अनबॉक्सिंग करते हैं पहले। तो ये आप देख सकते हैं ओरिजिनल फॉग लाइट है महिंद्रा की। इसके ब्रेजल भी लगेंगे इसके अंदर। ये DRL है, ये इंस्टॉल होगी इसके अंदर। उसके बाद आपको दिखाऊंगा प्रॉपर महिंद्रा की ओरिजिनल फॉग लाइट है विद बॉक्स। अनबॉक्सिंग भी आपके सामने करी है, यानी कि आफ्टर मार्केट। ये देख लीजिए, ये इसके ब्रेजल है, ये भी पैक है अभी, ये भी आपके सामने अभी खोल देते हैं इसको। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल ब्रेजल है, कोई यूज ब्रेजल नहीं है, बिल्कुल आपके सामने मैंने अनबॉक्सिंग करी है फॉग लाइट की, DRL की, और इसकी विद प्रॉपर वायरिंग के साथ होने वाली है। इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉल कर रहा है, प्रॉपर असेंबली पे चलेगा, टॉप मॉडल वाली असेंबली पे चलेगा, कोई अलग से स्विच नहीं लगेगा। जो कंपनी की असेंबली आती है, आप अंदर लेके आता हूँ मैं आपको, सॉरी, जो प्रॉपर असेंबली आती है उसी असेंबली पे चलने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मैंने एम्बियंस लाइट फिट करी है, ये मैं आपको अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद देखिए स्टेयरिंग रैप हो चुका है, डबल कलर का स्टेयरिंग रैप, OEM फिटिंग वाला। सीट कवर देखेंगे, मज़ा आ जाएगा इसका सीट कवर देखेंगे तो। आज सीट कवर देखते हैं, प्रॉपर इसमें फ्लोरिंग हो चुकी है, H2H फ्लोरिंग कवर है, बिल्कुल सिंगल पीस में फ्लोरिंग है, कोई कटिंग नहीं है इस फ्लोरिंग में। देन उसके बाद आप देखें, आप सीट कवर की बारी है तो सीट कवर सीट ही देख लीजिए, इंस्टॉल प्रॉपर एक एक सीट अलग होकर इंस्टॉल हो रही है, बिल्कुल सिंगल आपको स्टिच, सिंगल सलवट नहीं मिलेगी इस पूरे सीट कवर में। देखो आप देख सकते हैं, देखो ये देख, ये देखिए, ये देखिए, सिंगल बिल रिंकल नहीं है सीट कवर के अंदर, प्रॉपर सीट कवर है। साइड में आप देख सकते हैं डोर वाइजर इंस्टॉल हुआ है। उसके बाद ये गार्निश इंस्टॉल हुई है इसके अंदर, लोअर गार्निश बोलते हैं। रिप्लेसमेंट वाला पार्ट चाहिए वो भी अवेलेबल है, अगर आपको क्रोम, अगर पेस्टिंग वाला पार्ट चाहिए वो भी अवेलेबल है, दोनों पार्ट अवेलेबल है। उसके बाद बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ, बैक साइड में इसमें फिट हुआ रियर गार्ड फिट हुआ प्रॉपर स्कॉर्पियो N का। ये आप देख सकते हैं प्रॉपर है, मेरे पास रिफ्लेक्टर भी अवेलेबल है स्कॉर्पियो N के, हर चीज ओरिजिनल अवेलेबल है स्कॉर्पियो N के। स्कॉर्पियो N ये देख सकते हैं आप, ये देखिए फॉग लाइट और भी पड़ी है, एक उस गाड़ी में फिट हो रही है, एक ये भी पड़ी है। उसके बाद ये सारे जेन्युइन पार्ट महिंद्रा के मेरे पास अवेलेबल है मेरी शॉप पे। महिंद्रा हो गई, होंडाई हो गई, होंडाई के पार्ट ये रहे, होंडाई के ये रहे ओरिजिनल पार्ट, एक्स्टर के पार्ट ये रहे ओरिजिनल, होंडाई के अलावा ये रहे ओरिजिनल,
स्कॉर्पियन में आपको अलॉय चाहिए, अलॉय भी अवेलेबल है मेरे पास, सब कुछ अवेलेबल है स्कॉर्पियन के लिए। आप कॉल कर सकते हैं रौनक कार एक्सेसरीज पे और रेट ले सकते हैं स्कॉर्पियन में। स्पॉइलर बैक स्पॉइलर चाहिए बैक स्पॉइलर भी मिल जाएगा। बैक में अगर आपको वाइपर चाहिए वाइपर भी इंस्टॉल कर दूंगा मैं। जैसे आप देख सकते हैं मेरी इससे पहले वाली स्कॉर्पियन व्हाइट कलर डली है, वो भी राजस्थान से आई थी, उसके अंदर मैंने वाइपर भी इंस्टॉल करे थे, वो भी आप देख सकते हैं। वो जेट 2 वेरिएंट था, ये जेट 6 वेरिएंट है। एम्बियंस लाइट दिखाता हूँ मैं आपको स्टार्ट करके आ गया, और आप मेरे शुरू से लेके वीडियो एंड में बने रहे, मैं और भी दिखाता हूँ और क्या क्या हो रहा है। ये देख सकते हैं प्रॉपर काम हो रहा है, प्रॉपर फिटिंग हो रही है। ये आपको मैंने फ्लोरिंग दिखाई थी, देखो बिल्कुल एज टू एज, ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कस्टमर को कोई शिकायत आए। कस्टमर दूर से आता है, ये ध्यान रखना पड़ता है, कभी कोई शिकायत आती है तो कस्टमर को दोबारा दूर से वापस ना आना पड़े, हमें ये बहुत ख्याल रखना पड़ता है। काम आप देख सकते हैं प्रॉपर फिटिंग है। एम्बियंस जो लगी है इसके अंदर 10 पीसेस वाली लगी है। एम्बियंस मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, एक बार एम्बियंस स्टार्ट करना मोनू भैया। ये आप देखिए एम्बियंस स्टार्ट हो चुकी है, कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है डोर में, आपको पूरा डोर दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है इस डोर में। ये आप देख सकते हैं रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, स्काई ब्लू हो गया, लेमन कलर हो गया, सारे कलर इसमें है। गाड़ी में आप देख सकते हैं स्पॉइलर फिट हो आता ही है इसके अंदर कंपनी फिटेड, और भी सारे पार्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आपको Z2 मेरी पुरानी वाली वीडियो में Z2 देखी थी, उसमें ये वाला पार्ट ब्लैक आता है, ये आपको क्रोम फिनिशिंग पार्ट मिल जाएगा, ये हाइड्रो डिप मिल जाएगा फ्रंट में आपको सब, अगर आप हाइड्रो डिप कराना चाहते हो वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा मेरे पास। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्कॉर्पियन कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट। फ्रंट से दिखाता हूँ तो मैं आपको, फ्रंट में देखिए आप DRL फॉग लाइट इंस्टॉल हो चुकी है, स्कॉर्पियन ओरिजिनल महिंद्रा बॉक्स पैकिंग आपको मैंने अनबॉक्सिंग आपके सामने ही करी थी। उसके बाद देखिए इसमें LED लग चुकी है, दोनों वॉट LED ऊपर लग चुकी है, LED की आप थ्रो देख सकते हैं कितनी दूर तक जा रही है इसकी LED की थ्रो, ये देखिए। जैसे कि अब आपको अंदर मैं प्रोफाइल साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ, साइड प्रोफाइल में डोर वाइजर हमारे लग चुके हैं, लोअर गार्निश लग चुकी है, बैक व्यू तक लगी हुई है, कंप्लीट गार्निश है, ऊपर रूफ रेल है, रूफ रेल ओरिजिनल मिल जाएंगे मेरे को महिंद्रा की। ये Z6 मॉडल था तो इसमें तो लगी आई थी, पर हमारे पास ये ओरिजिनल भी मिल जाएंगे महिंद्रा की, सारे पार्टी ओरिजिनल मिल जाएंगे। अब आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ, अंदर आप देख सकते हैं फ्रंट पे देख सकते हैं, जैसे आपकी एम्बियंस हो चुकी है, ये ब्लैक पार्ट होता है तो इसमें आपका सिल्वर पार्ट हो चुका है, ये ब्लैक है, इसमें पियानो फिनिश कराना चाहता है कोई पियानो फिनिश भी हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद आप मैट देख चुके हैं, मैट बिल्कुल सेम टू सीट कवर की मैचिंग के मैट है, कॉफी मैट, और सीट कवर देखें आप प्रीमियम सीट कवर, बिल्कुल धासु एकदम, बिल्कुल सीट कवर रहने वाले ओरिजिनल फिटिंग के साथ। यहाँ पे दिखने वाला आपको पूरा कंप्लीट स्टीयरिंग रैप दिखने वाला है, एम्बियंस सारे कलर हैं इसके अंदर, मल्टी कलर की एम्बियंस है आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आप स्टीयरिंग देख सकते हैं, फुल रैप डबल कलर का रैप रहने वाला है इसके अंदर, सीट कवर बैक से देख सकते हैं, आपको सिंगल रिंकल नहीं मिलेगा सीट कवर के अंदर। फिनिशिंग देखिए बैक से फिनिशिंग, नीचे फ्लोरिंग जैसे आपके देख रहे थे काम हो रहा था, फ्लोरिंग हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट फ्लोरिंग है, कारपेट नहीं खराब होने वाला आपका लाइफ टाइम। मैट देखिए फुल प्रॉपर मैट लगने वाली है इसके अंदर, अभी आप देख सकते हैं इसमें ग्रैब हैंडल लग चुका है, डैम्पिंग भी हो चुकी है इसके अंदर, सिस्टम भैया का लगा हुआ था वही सिस्टम में हमने कुछ नहीं किया, अंदर सॉफ्ट टच इस, ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट टच वाली फील आ रही है बिल्कुल इसके अंदर। आप स्टिचिंग देखिए, सीट कवर देखिए, प्रॉपर सीट कवर देखिए, प्रीमियम लुक के साथ सीट कवर है। उसके बाद आपको स्कॉर्पियो में जो भी चाहिए Z2 लाएँ, Z8 बनवा के ले जाएँ हमारे पास से, तो Z6 वेरियंट आपको बताया मैंने जैसे कि था ही, Z2 लाएँ Z6 ले जाएँ, और मैं आपको 10% ऑफ दूंगा उन महिंद्रा MRP पे, जो अभी MRP होगी उससे 10% ऑफ दूंगा आपको हर आइटम में। इनर हैंडल हो, आउटर हैंडल हो, एक्सटीरियर बोर्ड हो, साइड स्कर्टिंग हो, फुट रेस्ट हो, सब कुछ अवेलेबल है मेरे शॉप पे रौनक कार एक्सेसरीज करोल बाग पे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी स्कॉर्पियो कितनी प्यारी लग रही है कंप्लीट होने के बाद। बैक साइड में रह गया, बैक साइड में मेरी रियर लगे हैं, रियर देख सकते हैं, बैक साइड में रियर गार्ड बिल्कुल इंस्टॉल हो चुका है, बैक साइड में ये वाली क्रोम भी मिल जाएगी, Z2 में नहीं आती, रिफ्लेक्टर्स आते हैं, रिफ्लेक्टर भी मेरे पास अवेलेबल है मेरे पास आपके पास, ये अगर आप वाइपर लगाना चाहते वाइपर भी अवेलेबल है, स्पॉइलर तक अवेलेबल है, ओरिजिनल स्पॉइलर अवेलेबल है, जो उनसे आपकी गाड़ी का कलर होगा वही स्पॉइलर मेरे पास अवेलेबल मिलेगा। कहाँ पे आना है आपने, सिर्फ रौनक कार एक्सेसरीज करोल बाग में आना है, आपको 10% लेस देगी, कहाँ मिलेगा 10% लेस, महिंद्रा पे सिर्फ रौनक कार एक्सेसरीज पे आपको 10% लेस मिलने वाला है। एक बार आप जरूर विजिट करें हमारी शॉप पे रौनक कार एक्सेसरीज करोल बाग में। ये मेरे पास स्कॉर्पियो आई है राजस्थान से, बाकी कस्टमर से पूछो सारा काम हो चुका गाड़ी में, सारा काम पूछो कैसा काम लगा कस्टमर को पूछ लो। नमस्ते भाई, मैं राजस्थान से राजेश सोलानिया, और भाई सानू से अपनी मित्रता हो गई थी पिछली बार जब थार लेकर आया था, तो उनके जो बिहेवियर था वो एक सेटिस्फेक्शन था, और इन भाई से भी मुलाकात उसी टाइम हुई थी, एक सुखद एहसास के साथ दोबारा इन्होंने बुला लिया, और जो मार्केट के अकॉर्डिंग जो रीजनेबल चीज़ें होती हैं, जो जायज़ रेट है जो लगाते हैं, अच्छा काम करते हैं मेहनत से, और जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसको भी बखूबी कहीं ना कहीं से करवा ही देते हैं एडजस्टमेंट। तो यही कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि सेवा का मौका दें भाई को रौनक कार को, और ये बताइए एक बार देखें इनका, क्योंकि मैं जब सेटिस्फाई हूं तो आप लोग भी आई थिंक हो ही जाओगे।
बाकी भी बताइए, 10 में 10 कितने नंबर दोगे रौनक कार को? फुल्ली देंगे यार, जो चीज एक भी चीज लोकल तो कुछ लगी नहीं है ना, अपने जेन्युइन पार्ट लगाए, आपने जो चीज अवेलेबल नहीं है वो भी अवेलेबल करवाइए, तो कुल मिला के मेरी तरफ से तो भैया 100 जो 10 में 10 देते हैं। शेयर करिए रौनक कार को। नहीं बिल्कुल 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 जी, लाइक और शेयर करें रौनक कार को भाई जी।